The question given is to prove that tan of pi by 4 minus a by 2 equals to sec a minus tan a equals to under root of 1 minus sin a upon 1 plus sin a. अब अगर हम देखें कि पहले हम इन दोनों टर्म्स को प्रूव कर लेते हैं, तो sec a minus tan a हमें पहले प्रूव करना है. टू प्रूव इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a. तो पहले हम एल एच एस लेते हैं, तो एल एच एस हमें क्या गिवन है, sec a माइनस tan a दैट इज 1 माइनस sin a अपॉन cos a. हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x. तो cos x कितना होगा, cos x विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम देख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो अगर ये फॉर्मूला इधर यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, sec a माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin a इंटू 1 प्लस sin a. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस sin a. और यही हमें प्रूफ करना था. Therefore, sec a minus tan a is equal to under root of 1 minus sin a upon 1 plus sin a. तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इससे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड में हमें क्या प्रूफ करना है, कि tan of pi by 4, tan of pi by 4 minus a by 2 is equal to sec a minus tan a. तो इसमें हम LHS ले लेते हैं हमारा. तो LHS क्या है, tan of pi by 4 minus a by 2. तो tan of a minus b कितना होता है, tan a minus of tan b upon 1 plus tan a into tan b. तो tan pi by 4 कितना होता है 1, तो 1 minus tan of a by 2 upon 1 plus tan of a by 2. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 होल अपॉन कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 से. अगर मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से. अब ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. एंड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 sin a by 2 cos a by 2 whole upon cos square a by 2 minus sin square a by 2. And हमें पता है कि cos 2x ये कितना होता है, cos square x minus sin square x. और sin 2x ये कितना होता है, 2 sin x cos x and sin square x plus cos square x, इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल. तो ये सब सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. टर्म सेपरेट करें तो हमें मिल जाएगा टैन ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, दैट इज टैन ऑफ पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए. तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब हमें पता है a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, दैट मीन्स a इज इक्वल टू c एंड a इक्वल टू b इक्वल टू c. ये अगर यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू sec a माइनस tan a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin a अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन ए. और ये हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ्ड दिस इज आवर सॉल्यूशन.